यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहदिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की जितनी भी अपडेट्स है वो आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मुद्दा काफ़ी गंभीर है और इस मुद्दे को लेकर कई यूट्यूब चैनलों पर लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पटना हाई कोर्ट ये मान रहा है कि ये एक कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्ज़ाम था, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था और इससे केवल एलिजिबिलिटी चेक होती है और वो पात्र माना जाता है किसी भी टीचर संबंधित एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए। तो आज इस मुद्दे को हम लोग थोड़ा सा गहराई से समझेंगे और इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये मुद्दा है क्या। आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, कुछ समय पहले जब मैथमेटिक के कुछ प्रश्नों को लेकर विवाद था और मैथमेटिक के जो दूसरे शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, इसे लेकर पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया था और अभ्यर्थियों को बड़ी जीत भी मिली थी उसमें। उसके बाद जो ऑर्डर आया था अगर हम उसका विश्लेषण करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, कुछ बातें जो है इसमें क्लियर होती हैं। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपके साफ तौर से स्पष्ट है द कोर्ट, देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले इसको जूम करूँगा, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द कोर्ट फाइंड्स सब्सटेंस दैट इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देयर शुड बी वन एंड द सेम स्टार्टेड इन द एग्जामिनेशन व्हेन एग्जामिनेशंस आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट्स सो दैट वन मैनी नॉट एडवर्सली फेस कंसिक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन सेट। तो ये चीज़ आपको पता होगा कि ये मैथ में ऐसा कुछ हुआ था, इसको लेकर मैथ के अभ्यर्थियों ने केस फाइल किया था, ठीक है ना, और मैथ के अभ्यर्थियों ने इसे केस फाइल भी किया था और उसके बाद विवाद भी काफ़ी ज़्यादा छिड़ा था इसे लेके कि भाई ये कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्ज़ाम है या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो यहाँ पर बोर्ड ने, बिहार बोर्ड ने जब ये ऑर्डर, पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उससे एक बात तो क्लियर कर दी थी कि ये एक कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्ज़ाम है। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने ही कहा था कि इस बार की जो एसटीटी है वो कई मायनों में अन्य परीक्षाओं से भिन्न है। ये बोला था, अन्य जितनी भी पात्रता परीक्षाएँ होती हैं उससे भिन्न है। अगर आपको नहीं विश्वास है, अगर आपने नहीं सुना है तो वो ऑडियो क्लिप आप फिर से एक बार सुन सकते हैं। इसमें बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि एसटीटी की जो इस बार परीक्षा हो रही है 2019 में वो एक अन्य परीक्षाओं से एक भिन्न प्रकार की परीक्षा है जिसमें मेधा अंक के ऊपर से नीचे घटते क्रम में अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जाएगा कि अल्फ़ाबेटिक नेम सीरीज पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो अल्फ़ाबेटिक नेम सीरीज है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सीरीज तैयार की जाएगी एक नामों की और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और अधिक मेधा अंक से निम्न मेधा अंक की ओर जो है वो मेरिट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कुछ लिखा है 2019 के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे भी हम विश्लेषण करेंगे। दैट द एक्सपर्ट कमेटी, जो एक्सपर्ट की कमेटी थी उसने क्या कुछ कहा था, द रिपोर्ट्स डेटेड 10/11/2020 को जो आई थी आफ्टर हैविंग कंसीडर्ड द ऑब्जेक्शन राइज्ड हैड ओपेंड दैट इन द री एग्जामिनेशन ऑफ STT 2019 ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, देख सकते हैं। तो STT 2019 के मैथमेटिक्स के बाद जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो IIT लेवल के पूछे गए थे तो उसमें STT 2019 को लेके, ठीक है, एक री एग्ज़ाम करवाया गया था। आप देख सकते हैं ये भी, इसमें ये कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे रॉन्ग नज़र आए होंगे, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये बार बार विवाद चला था इसको लेकर, दोबारा जो है वो बोर्ड तक ये बात रखी गई थी, उसके बाद पटना हाईकोर्ट में मामला गया था और जैसे ये पटना हाईकोर्ट में ये मामला गया था तो उसको संज्ञान में रखते हुए ये बात कही गई थी कि इन अभ्यर्थियों का जो एग्ज़ाम है वो फिर से कराया जाए। इसमें मैं नीचे आ जाता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ है, ठीक है। जब दोबारा एग्जामिनेशन कराया गया था
तब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लीकेशन हेल्ड डिस्ट्रिक्ट टू, यहाँ लिखते हैं ग्रांट वन टाइम एज रिलैक्सेशन। हाँ, जो ये एज रिलैक्सेशन को लेके आया था कि एसटीटी में जो है 7 साल से बढ़ा के उम्र सीमा ताउम्र जो है वो इसकी वैलिडिटी कर दी जाएगी, उस समय भी एक बात सामने उभर के आई थी। उस समय इसे क्या माना गया था कि टीटी देख सकते हैं, लेकिन मे बी अपीयर एट द टीटी 2019, यानी 2019 में क्या हुआ था आपका एसटीटी ही हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था सभी को पता होगा। उसमें क्या कहा गया था कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि इसको एक क्या माना गया था दोस्तों, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2019 लिखा गया है, ये इससे कहीं ना कहीं एक स्पष्टीकरण सामने उभर के आता है कि ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है लेकिन कॉम्पिटेटिव नेचर का। समझ रहे बात को, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो है लेकिन कॉम्पिटेटिव नेचर का। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इस बार जो एसटीटी हुआ है वो अन्य टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से अलग है। साफ सीधी बात है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, क्योंकि सुबह से मैंने देखा है कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिसपे कि इसे लेके लड़ाई चल रही है। कोई इसको कॉम्पिटेटिव नेचर का बोल रहा है तो कोई इसे एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल रहा है, तो इस प्रकार के भ्रम में ना पड़े आप। किसी भी तरीके का इस प्रकार का अगर भ्रम है तो उसे मैं आज क्लियर कर देता हूँ, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ एक कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्ज़ाम है। ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ और ये एग्ज़ाम अन्य एग्ज़ामों से भिन्न है क्योंकि इसमें कई सारे शर्तें रखी गई थी विज्ञापन में, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं ना तो मेरिट वालों के साथ हूं ना तो मैं नॉट मेरिट वालों के साथ हूं, मैं उन अभ्यर्थियों के साथ हूं जिन्होंने काफ़ी मेहनत से ये सपने देखे थे। जब 24 जून को जब शिक्षा मंत्री के द्वारा रिजल्ट को जारी किया गया था तो उसमें साफ तौर पर लिखा था कि जिन 24,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ है उनको नौकरी पक्की है, ये बात कही थी। उसके बाद कहाँ से ऐसा अचानक होता है कि फिर से जब रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद यहाँ पे सामने तथ्य आता है तो हमें पता लगता है कि 80,000 के आसपास अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो गए हैं। अब इसमें फिर एक बात तो ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी, उसके बाद फिर से नई एक बात फिर चौंकाने वाली सामने आई, वो ये थी मेरिट और नॉट मेरिट अभ्यर्थियों को बांट दिया गया। शिक्षा विभाग की बड़ी चाल थी कि मेरिट और नॉट मेरिट आपस में लड़ें, इसका फ़ायदा जो है वो शिक्षा विभाग को मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि भाई जो मेरिट और नॉन मेरिट दोनों ही अभ्यर्थियों से ये कहना है कि आप किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई ना करें और आप सभी लोग एक हो जाएं, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ कॉम्पिटेटिव नेचर का ये एग्ज़ाम है, ठीक है। तो गाइज वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल रख सकते हैं, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से हम हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।